एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 14 ग्राम स्मैक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्रह्म सरोवर के आसपास मौजूद था। थाना आदर्श में मामला दर्ज किया गया है। नशीले पदार्थ के मामले में बता दें, जनपद के विभिन्न एरिया में पिछले काफी समय से कई लोग इस काम में सक्रिय थे। स्मैक के नशे ने युवा वर्ग की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। माफिया मोटा मुनाफा कमा रहा है। इन पर लगाम अब पुलिस प्रशासन द्वारा कसी जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के निर्देश पर एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी जगबीर सिंह द्वारा एएसआई सुरेंद्र, विनोद, हेड कांस्टेबल ललित नसीब सहित अन्य कर्मियों की टीम बनाकर अनेकों मार्गों की ओर भेजा गया। पुलिस टीम को जानकारी मिली थी कि एक युवक नशीला पदार्थ लेकर ब्रह्म सरोवर की ओर पैदल आया हुआ है, जिसके पास नशीला पदार्थ मौजूद है। मामले की जानकारी मिलते ही टीम ब्रह्म सरोवर पहुंची। इस तीर्थ स्थल के चारों ओर अभियान तेज कर दिया गया। आरोपी को गिरफ्त में लेने के लिए मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। इनकी देखरेख में शक की बिना पर पैदल चल रहे युवक को काबू किया गया। तलाशी लेने पर 14 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ पर उसने अपना नाम अरमान पुत्र अख्तर अली निवासी अंचला चौक थानेसर बताया। इस आरोपी के खिलाफ आदर्श थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। इस स्मैक के मामले में पकड़े गए दूसरे आरोपी का भी खुलासा कर दिया, जिसे गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस छापामारी कर रही है, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपी अरमान को अदालत में पेश किया गया। माननीय अदालत ने इस आरोपी को जेल भेज दिया है। खबरनामा हरियाणा के लिए क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।